इसको इस रूप में नहीं लिया जाना चाहिए कि मैंने ध्यान आकर्षण का कागज को पाड़ा है, ये मेरा विरोध था। आज विपक्ष के लोग अपने डिमांड्स को लेकर के वेल में बैठे हुए हैं, तो केवल क्या हाउस सत्ता पक्ष के लिए चल रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं देश टी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। शीतकालीन सत्र का चौथा दिन है और चौथे दिन भी विपक्ष जो है वो जेपीएससी के मुद्दे और रोजगार के मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष पर आक्रामक है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए बीजेपी विधायक मनीष जायसवाल हैं और आपको बता दूं आज मनीष जायसवाल जी सदन में भी काफ़ी लाइमलाइट में रहे क्योंकि इन्होंने ध्यान आकर्षण पेपर को है फाड़ा है। क्या कुछ कहेंगे इस पर, क्यों आपने ध्यान आकर्षण पेपर को फाड़ा? देखिए, ये इसको इस रूप में नहीं लिया जाना चाहिए कि मैंने ध्यान आकर्षण का कागज को फाड़ा है, ये मेरा विरोध था। हम लोगों ने देखिए, हाउस जब चलता है तो उसका सबसे प्रथम सिद्धांत है कि हाउस चलाने के लिए हाउस को ऑर्डर में होना चाहिए, शांति होनी चाहिए ताकि पूरा हाउस जो है इन्वॉल्व हो सके। आज विपक्ष के लोग अपने डिमांड्स को लेकर के वेल में बैठे हुए हैं, तो केवल क्या हाउस सत्ता पक्ष के लिए चल रहा है? हम लोगों ने पूरा प्रयास किया कि जो जनता के मुद्दे हैं, जैसे जेपीएससी का मुद्दा हो या आपको जो भ्रष्टाचार है उसका मुद्दा हो, बिजली का मुद्दा हो, तुष्टिकरण का मुद्दा हो, इन सभी चीजों पर हम लोगों ने कार्य स्थगन डाला। लेकिन आपने जो किया उसके बाद से सत्ता पक्ष जो है वो कार्यवाही की मांग कर रहा है, स्पीकर ने भी कहा है कि आप पर कार्यवाही होगी, तो क्या कुछ कहेंगे उस पर? ये तो विशेष अधिकार है स्पीकर महोदय का, वो जो चाहे करें, लेकिन उनको ये समझना पड़ेगा जो इन परिस्थितियों में ये हुआ है उनको उसके पीछे जा करके देखना पड़ेगा कि कैसे ये हुआ। आज ये मेरा दर्द है, अगर आप विपक्ष की बात को पूरी तरह से सुन लें, आज आपको क्या दिक्कत है? जनता सड़क पर उतरी हुई है, 4.5 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है, सारी पॉलिटिकल पार्टी सवाल, सारे सामाजिक संगठन जो हैं वो चाहते हैं कि जेपीएससी में जाँच हो और वो रद्द हो, लेकिन आप नहीं चाहते। आपका मानना है कि जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो विश्व हिंदू परिषद के बच्चे हैं और हम लोग जो विपक्ष के विधायक हैं वो मनोवादी हैं। तो ये एटीट्यूड अगर सरकार का रहेगा और अगर ये सरकार ये सोच करके चलेगी और उसका संरक्षण अगर विधानसभा में मिलेगा तो हम लोग अपनी बात कहाँ रखेंगे और हम लोग कैसे अपनी बात को रखेंगे? क्योंकि ये जो शीतकालीन सत्र काफ़ी छोटा था, चौथा दिन है और जन मुद्दे से ज़्यादा हमने देखा कि सदन जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। क्या लगता है एक दिन और बाकी है कुछ जन मुद्दों पर बात हो पाएगी जेपीएससी पर, सरकार कुछ क्लियर कर पाएगी? मैं आपको बताऊं कि ये सारे जन मुद्दे हैं, जेपीएससी भी बहुत बड़ा जन मुद्दा है। जिस देश में युवा ठगा हुआ माना जाएगा, जिस राज्य में, उस राज्य में का विकास नहीं हो सकता। मैं दूसरा भ्रष्टाचार का मुद्दा, घोटालों का मुद्दा, बिजली का मुद्दा, ये सारे मुद्दे जनता के हैं और इसको यहाँ चर्चा में आना चाहिए था, लेकिन सरकार की हठधर्मिता और जिस तरीके से सदन चला उस तरीके से इन सभी मुद्दों को दबाने का प्रयास किया गया और हम लोग एक सजग विपक्ष हैं, हम इनको दबने नहीं देंगे, हम लोग अपनी भूमिका अच्छे से निभाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है कि स्कूल में अब जाति प्रमाण पत्र बनेगा, तो वही जो मुस्लिम समुदाय के वो सिर्फ टेस्टेड कर पाएंगे खुद से, तो कैसे देखेंगे बाहरी लोगों को? सबसे पहले ना ये क्यों करना है कि किसी एक वर्ग को स्पेशल प्रिविलेज देना? आज मैं उनकी बात को आपको बताता हूँ कि अगर कोई बांग्लादेश से बच्चा आता है और वो सेल्फ अटेस्ट करके देता है कि मैं झारखंड का रहने वाला हूँ, तो उसको एक तरीके से झारखंड की नागरिकता मिल जाती है। आज हम सभी जानते हैं कि झारखंड में इस बात की बहुत परेशानी है कि बांग्लादेशी घुसपैठिया यहाँ का एक परेशानी है, एक वो यहाँ का प्रॉब्लम भी है। नियम को और कड़ा होना चाहिए था कि इनको और बारीकी से इनकी स्क्रूटनी होनी चाहिए थी, बल्कि इनको तो और लिवरेज दे दिया गया, और अगर ये दिया भी गया तो अन्य बिरादरी को क्यों छोड़ दिया गया? एससी को, एसटी को, ओबीसी को, सामान्य को भी इसी तरीके से कर देते। अभी आप कहीं भी बनाए, आप चाहे स्कूल में बनाए चाहे ब्लॉक में बने, जाति प्रमाण पत्र, इससे क्या अंतर पड़ता है? कोई बांग्लादेश से बच्चा आएगा और स्व घोषणा पत्र देगा और वो इस देश का नागरिक बनेगा, और यही जेएमएम और कांग्रेस चाहती भी है। तो हमारे साथ बात कर रहे थे बीजेपी विधायक मनीष जायसवाल, जिन्होंने सरकार पर यह आरोप लगाए हैं कि जन मुद्दे को सदन में सरकार दबाने की कोशिश कर रही है ताकि सदन सुचारू रूप से ना चले। फिलहाल इस खबर में इतना ही, तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें देश टी न्यूज़।